आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की खबरों ने नए डर, नए भय से आक्रांत कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के डर से चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि पुनः एक नए षड्यंत्र की तरफ बढ़ चुकी है। दिल्ली के अंदर ईडी तो लगातार नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दे ही रहा है, लेकिन अब कोर्ट की तारीख को देखते हुए जो चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी वैसे तो काफी समय से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के षड्यंत्र में शामिल है, लेकिन जिस तरह से कल ये खबर आई कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों में भी समझौते होने जा रहे हैं, बातचीत अपने फाइनल निष्कर्ष की तरफ पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के अंदर देश के अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। उनको ऐसा लग रहा था कि देश के अंदर इंडिया गठबंधन शायद बिखराव की तरफ जा रहा है, लेकिन 400 पार का जुमला देश के सामने बोलने वाली भाजपा गठबंधन होने की खबर से ही इतनी सदमे में है कि अब उसे कोर्ट के अंदर ईडी के संबंध पर जो तारीख है उसका भी इंतजार नहीं हो रहा है। अब उन्होंने जो नया षड्यंत्र बनाया है और जो खबर आ रही है कि सीआरपीसी की 41A सेक्शन की तरफ अब धीरे धीरे सीबीआई अपनी नोटिस तैयार कर रही है, सीबीआई अरविंद केजरीवाल जी को एक दो दिन के अंदर नोटिस जारी करेगी और उसके बाद जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, और फिर ईडी जैसे मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था वैसे उनको, अगर आपको याद होगा कि सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ में रात में घोषित किया कि गिरफ्तार कर लिया गया, मनीष सिसोदिया जी जेल में थे, जेल के अंदर से ईडी गिरफ्तार करके लाई। तो एक नए तरह का षड्यंत्र ईडी की सारी नोटिसों के गैर कानूनी होने के नाते फेल होते देखते हुए भाजपा ने नया कुचक्र रचना शुरू किया है। मैं देश के सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले धीरे धीरे एक साल मनीष सिसोदिया जी को जेल में होने जा रहा है, उससे लगभग 2 साल से ये पूरे देश के अंदर हजारों जगहों पर ये छापे मार चुके, सभी लोगों के घरों को खंगाल चुके, लेकिन आज तक एक चवन्नी भी, एक पैसा भी इनको रिकवरी नहीं मिली है। लेकिन राजनीतिक कारणों से, केवल और केवल राजनीतिक कारणों से आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया, और अब ऐसा लग रहा है कि
कि पूरे देश के अंदर एक तरफ तो 400 पार के नारे का जुमला है, लेकिन हकीकत भारतीय जनता पार्टी को पता है और वो डर हर जगह दिख रहा है। वो चाहे किसानों का आंदोलन हो, वहां भी वो डर दिख रहा है। जिस तरह से इतनी लंबी चौड़ी फौज फाटा, यहां तक कि ये किसान शहीद हो गया, इतना डर किस बात का है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कल जिस तरह सत्यपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल हैं, उनके यहां वो हॉस्पिटल में और उनके घर पे सीबीआई की रेड पड़ गई, क्योंकि वो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से ये खबर आती है कि इंडिया का अलायंस दिल्ली के अंदर और अन्य राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन फाइनल स्टेज में जा रहा है, तो नया षड्यंत्र शुरू हो जाता है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और पूरी पार्टी जिम्मेदारी से कहना चाहती है कि आपके षड्यंत्रों से, आपके धमकियों से आम आदमी पार्टी न कल डरी है, न आज डरने वाली है, न कल डरने वाली है। आम आदमी पार्टी इस देश के लिए, देश में जिस तरह से पूरे लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है, बेईमानी से चुनाव जीतने का जो महारिकॉर्ड चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जिस तरह से पूरे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, भारत के संविधान को नेस्तनाबूत करने की कोशिश हो रही है, देश को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी सभी लोगों के साथ मिल करके, इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके ये चुनाव लड़ेगी और ये चुनाव जीतेगी, और इस मिशन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आपके इन षड्यंत्रों से न हम डरे हैं न डरेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए।